कोशिश करूंगा कि इसको कंटिन्यू करूं। रेफरेंस तो बहुत थे पर वो टाइम की वजह से, आइए शुक्रगुजारी करते हैं। उसका कलाम हमारी कांट छांट करता है, उसका कलाम हमें संभालता है। शायद दुनिया में आप बहुत सारा सफ़र काट रहे हैं, इस सफ़र में बहुत सारा आपके दोस्त सफ़र में साथ छोड़ चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आ रहा है। ईमान से देखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ ला रहा है। खुदा ने आज आपसे बात की है, खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ ला रहा है। खुदा आपकी ज़िंदगी में साउल जैसे इंसान निकाल के पालूस जैसे इंसान देगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में नए दोस्त लाएगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में वो दोस्त वो साथी लाएगा जो खुदा के साथ वफादार है। दुआ करें, दुआ करें, जैसे भी दुआ करनी आती है दुआ करें। शायद आप अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र से हार चुके हैं, शायद आप ज़िंदगी से थक चुके होंगे, शायद आप लगते हैं कि फ्रेश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। पर बाज़ दफ़ा इब्लीस आके कहता है कि तू परेशान है, तेरी ये परेशानी का हल नहीं है। पर सुनिएगा, हर परेशानी का हल यीशु के पास है। यीशु के पास है, वो तेरे दुखों को जानता है। उसके साथ सफ़र गुजारिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कीजिए। खुदा ने आज आपसे कलाम किया है, खुदा ने आज आपसे बात की है। शायद आप बहुत सारा सफ़र अकेले काट रहे हैं, शायद बहुत सारा सफ़र अकेले काटते जा रहे हैं, ज़िंदगी को काटते जा रहे हैं, ज़िंदगी आपको बोझ लगने लग गई है। बाज़ लोगों को ज़िंदगी अपनी बोझ लगती है, बाज़ लोग दुआ करते हैं खुदा मैं मर जाऊं, पर खुदा ने आपको मरने के लिए नहीं दुनिया में भेजा, बल्कि ज़िंदा रहने के लिए, औरों को ज़िंदा करने के लिए भेजा। बाज़ लोग अपनी मौत की दुआ करते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं, मेरे लिए तकलीफ़ें क्यों हैं, क्यों मेरे लिए परेशानी है। वो मेरे यीशु जैसी परेशानी है तो आपने देखी नहीं, जिसको तमाचे मारे गए, जिसके मुंह पर थूका गया, हो इतनी अजियत सहने के बाद भी वो कहता है बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हो तेरे लिए वो सलीब पर चढ़ गए, हो तुझसे वो कितना प्यार करता है, वो तेरी बदकारी हरामकारी को एक साइड पे कर देता है, तेरे लड़ाई झगड़े झूठ फरेब को एक साइड पे करके फिर भी तुझे गले लगा लेता है। वो कहते हैं मेरे भाई मेरी बहन तू जैसे भी है, कोई तुझे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और लिखा है उसकी मोहब्बत की खूबी ये है कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर बलिदान हो गया। लिखा है हमने मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, वादे करते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, जब वक्त आता है वो भी साथ छोड़ देते हैं। पर मेरा यीशु तेरा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि वो कहता मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शायद तेरा साथ देने वालों ने तेरा साथ छोड़ दिया, साथ निभाने वालों ने जो रस्में कस्में खा रहे हैं झूठी, वो तेरे पीछे हैं पर वो भी तेरे साथ नहीं है। पर मेरा यीशु साथ रहने वाले, लेकिन आसमान और ज़मीन टल जाएगा मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, और उसके फरमान कभी नहीं टलते। दुनिया की बातें महज बातें, उनमें कलाम नहीं, दुनिया की बातों में सच्चाई नहीं हो सकती, पर उसके कलाम में सच्चाई, उसकी बातों में सच्चाई। शुक्रिया करें और माफ करें। हालेलुया। अगर